हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुक विद ममता। दोस्तों आज मैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी फायरलेस चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। अभी तक आपने ना ये रेसिपी देखी होगी और ना बनाई होगी। इसे मैंने छुहारे से बनाया है। अगर आपने पहले ये रेसिपी खाई या बनाई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बनाते हैं छुहारे की चाट। ये देखिए, मैंने छुहारे यानी कि ड्राई डेट्स लिए हैं। इसमें से कुछ छुहारों को मैंने ओवरनाइट पानी में भिगा कर रखा था और ये देखिए फूलकर ये इतने बड़े हो गए हैं। पानी से इन्हें निकालेंगे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे आप पी सकते हैं क्योंकि इसमें काफी न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। ये देखिए छुहारे इस तरह से फूलकर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनका हमें ऊपर का पार्ट रिमूव करना है। अब इसमें इस तरह से चीरा लगाएं और बस इसकी सीड हटा दें। ये देखिए, इसे एक साइड में रखें। इसी तरह से सारे छुहारों को कट करें। इन छुहारों के बेनिफिट्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो पता लगेगा। ये छुहारे हार्ट फ्रेंडली होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्पफुल हैं। इन्हें इसी तरह से भिगोकर रोज खाना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसको भी ये रिलीफ देते हैं। ये एनर्जी को भी बूस्ट करते हैं। ब्रेन की हेल्थ के लिए और बोन्स की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक हैं। ये हमारी स्किन और बालों को भी काफी हेल्दी बनाते हैं। फीमेल्स में आयरन की डिफिशियंसी को ये टैकल करते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये छुहारे ऑल इन वन नेचुरल रेमेडी का काम करते हैं। तो इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अच्छे या कोई भी छुहारे खाना पसंद नहीं करता है तो आप इस रेसिपी को बनाकर दें, जिससे कि सभी लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। आइए रेसिपी बनाते हैं। ये मैंने थोड़े से कैश्यूज लिए हैं और इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप इन्हें बिना रोस्ट करे भी यूज कर सकते हैं। अब एक एक काजू को छुहारे में फिल करेंगे। इसकी इस सीड की जगह हम इन काजू को फिल करेंगे। ये देखिए, सारे छुहारों में मैंने काजू फिल कर दिया है। आइए अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं। छुहारों को इस तरह से एक प्लेट में अरेंज करें। ये देखिए, छुहारों को मैंने एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। अब इसकी चाट बनाएंगे। यहाँ मैंने ये चाट का सामान लिया है। ये हरी चटनी है, ये मीठी चटनी यानी कि सौंठ है और ये दही है। दही में मैंने हल्का सा नमक डाल लिया है। इसके ऊपर ये सौंठ डालें। सारे छुहारे के ऊपर मैंने सौंठ डाल दी है। चलिए अब इसके ऊपर चटनी डाल लेते हैं। इस तरह से छुहारे की चाट बनाकर अगर आप सर्व करेंगे तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। और बस अब इसके ऊपर दही डालें। दही में मैंने हल्का सा नमक डाला है। थोड़ा चाट मसाला इस पर डालें। थोड़ी भुजिया या नायलन सेव इस पर डाल सकते हैं। थोड़ी धनिया पत्ती डालें। अब ये छुहारे से बनी हुई चाट बनकर एकदम तैयार है। और तरह तरह की और भी चाट की रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करें। ये छुहारे की चाट बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप इसे बच्चों को बनाकर दें या इसे आप एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।